हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड हियर आज से हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर देंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शुरू करने के पीछे का एक इंटेंशन ये था कि जैसे कल ही सीएसआर नेट का ट्वीट आ गया है जिसमें उन्होंने बताया कि दिसंबर के 26, 27 और 28 ऑफ दिसंबर को सीएसआर नेट की एग्जाम होगी। ठीक है, तो इसलिए बीएससी को थोड़ा सा साइड में रख दिया हमने और सीएसआर नेट के एक सिलेबस को शुरू कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसलिए क्योंकि ये बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा समझने में तकलीफ जाती है ये चीज़ें, इसलिए हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कृपया करके इसको शेयर कर दीजिए, उनको बताइएगा कि हमारे साथ जुड़ जाइए, हमको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम उनको सीएसआर नेट क्वालिफाई करने में मदद कर सके। ठीक है, तो आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि सीएसआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सीएसआर नेट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू कर देंगे तो इसका वेटेज क्या है, तो पार्ट बी में 3 क्वेश्चन है आते हैं इसमें से और पार्ट बी में ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो तुम सबको अगर मान लो ये पता नहीं है कि कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी सिंपली अगर कहा जाए कि तुमको पेपर पैटर्न अगर नहीं पता होगा तो कृपया करके हमारे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिए ताकि हमको पता चले और हम तुम्हारी समस्या का निवारण कर सके। ठीक है, तो इतना कष्ट कर लीजिएगा हमारे लिए। ठीक है, फिर तुमको ही फायदा होगा इसका एक्चुअली। अगर तुमको नहीं पता होगा तो नेक्स्ट एक आध वीडियो बना दूंगा मैं जिसमें तुमको ये सब बातें मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मुझे पता चलना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो सिलेबस देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नेट का, उसमें रेप्लिकेशन आता है। रेप्लिकेशन यानी डीएनए का रेप्लिकेशन जो है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में किस तरह से होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा। प्रोकैरियोट एक ट्रांसलेशन भी आता है, आई फॉरगेट टू मेंशन इट हियर। तो प्रोकैरियोट ट्रांसलेशन हो गया दोनों में, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में किस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है वो। उसके अलावा जो जीन है वो किस तरह से रेगुलेट होते हैं, यानी कब एक्सप्रेस होना है कब बंद होना है, वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में किस प्रकार से जीन रेगुलेट होते हैं वो भी पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह के साथ पढ़ेंगे। और एट द एंड कुछ 4-5 टेक्निक्स है, वो टेक्निक भी अपन पढ़ेंगे। उसका बेसिस ऊपर के जो कंटेंट है उससे होगा और उसके चलते तुमको टेक्निक्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर चलता रहा और तुमने हमको अच्छे तरह से फॉलो कर दिया तो लाइक दिसंबर में जितना हो सका उतना हम दिसंबर तक कवर करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद ये एग्ज़ाम दो आती है एनुअली, 2 बार आती है, तो अगर दिसंबर को भी छोड़ दे तो जून तक तो पक्का हम गारंटी लेते हैं कि तुमको सीएसआर नेट क्वालिफाई करवा देंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइए जल्द से जल्द, दोस्तों को भी जुड़वाइए और शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखो आज इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, कल से रेप्लिकेशन वाला पोर्शन शुरू कर देंगे यानी नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड हम सबको पता है, डीएनए आरएनए जो है ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड का जो एक न्यूक्लिक एसिड बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड एक चेन है, तो उसके एक मोनोमर्स भी होंगे, मोनोमर्स को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक चेन फॉर्म करेंगे, उस चेंज को हम बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ही चेन को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। एसिड इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज क्यों है अगर नहीं पता होगा तो बने रहिए, तुमको वीडियो के मिड में या फिर अप टू उसमें पता चल जाएगा कि निगेटिव चार्ज है, डीएनए निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, तो क्यों है, कैसा है, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, देखो न्यूक्लिक एसिड का मैंने जैसे बताया कि जो मोनोमर है, मोनोमर को अपन बोल देंगे, देखो जो मोनोमर है, मोनोमर उसको क्या हो, उसको क्या नाम है, न्यूक्लियोटाइड, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन फॉर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड बना हुआ होता है या फिर न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है 3 कंपोनेंट्स, उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वन ऑफ देम इज नाइट्रोजन बेसिस, अनदर वन इज द शुगर। शुगर कौन सी रहेंगी, पेंटोज शुगर, पेंटोज इसलिए क्योंकि 5 कार्बन की बनी हुई होती है। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, चलो फॉस्फेट ग्रुप, तो बेसिस बेसिकली 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया अपना एडेनिन, हो गया गुआनिन, फिर साइटोसिन,
थाइमिन एंड यूरेसिल, उसमें से साइटोसिन जो है वो सिर्फ डीएनए में फाउंड मतलब पाया जाता है, और यूरेसिल जो है सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, ये देखो गुआनिन साइटोसिन थाइमिन अगर रहा तो वो न्यूक्लिक एसिड हो गया अपना डीएनए, और अगर यूरेसिल है तो वो अपना न्यूक्लिक एसिड हो गया आरएनए। ठीक है, देखो प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स है, पता है हम सबको। ठीक है, वी आर वेरी नोन विद दैट टर्म्स, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, नई बात जो है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यूरिन्स और पाइरिमिडिन्स की जो मतलब हेटरोसाइक्लिक एक रिंग है, ये रिंग है हेटरोसाइक्लिक इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन भी है और इस रिंग में नाइट्रोजन भी है। सेम यहाँ पर भी प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन बोथ आर हेटरोसाइक्लिक रिंग्स, लेकिन ये सिक्स मेंबर की एक सिंगल रिंग होती है पाइरिमिडिन में, और प्यूरिन में एक सिक्स मेंबर की, देखो ये सिक्स मेंबर की एक रिंग है और ये एक 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्स की एक रिंग होती है जो कि फ्यूज है इसलिए दिख नहीं रही, लेकिन एक्चुअली वो अगर सेपरेट कर देंगे तो एक 5 मेंबर की रिंग है ये सेकंड वाली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पाइरिमिडिन की जो नंबरिंग है वो इस एन से स्टार्ट होके ऐसे जा रही है, इस एन से स्टार्ट होके ऐसे 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 जा रही है, तो ये हो गई क्लॉकवाइज, ऐसे ही क्लॉक घूमती है। ठीक है, तो ये होगी अपनी क्लॉकवाइज नंबरिंग, इसकी एक ही चेन होती है जिस जो भी जो कि क्लॉकवाइज घूमती है। इसकी देखो प्यूरिन की दो रिंग है, एक तो सिक्स मेंबर वाली है और एक 5 मेंबर वाली है, तो उसमें से जो 6 मेंबर वाली है उसका ये इस प्रकार से नंबरिंग होती है, इस एन से स्टार्ट होकर यहाँ पे नहीं गया तो ये उल्टा आ रहा है, जैसे घड़ी का कांटा मान लो उल्टा घूम रहा है, तो ये कैसे हो गई एंटी क्लॉकवाइज और ये बराबर घूम रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया क्लॉकवाइज, यानी छोटी वाली रिंग पे क्लॉकवाइज 5 मेंबर वाली और जो बड़ी वाली उसमें एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, अगर मान लो वीडियो को बार बार देखना, समझना, लर्न करना। ठीक है, देखो ये है अपने एडेनिन गुआनिन जो कि क्या है प्यूरिन, ये प्यूरिन स्टैंड्स फॉर पी स्टैंड्स फॉर प्यूरिन, कंसिडर इट, आई कैन राइट इट, तो पी एंड वी विल राइट यू, तो ये हो गए अपने दो प्यूरिन एंड दीज थ्री आर पाइरिमिडिन, तो प्यूरिन में कौन आ गए एडेनिन एंड गुआनिन, ये हो गए प्यूरिन, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द पाइरिमिडिन आर साइटोसिन यूरेसिल एंड द थाइमिन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो रिंग है, यहाँ पे दो रिंग है, ये सिक्स मेंबर वाली है, फाइव मेंबर वाली, ये सिक्स मेंबर वाली, फाइव मेंबर वाली, और इन सब में सिंगल सिंगल रिंग है इसलिए हो गई ये पाइरिमिडिन। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसा है, बेसिकली एक फ्रेम स्ट्रक्चर है जो अभी रिसेंटली पढ़ा, ये एक फ्रेम है, ये ऐसा एक फ्रेम है, ये भी ऐसा एक फ्रेम स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप और किस पोजिशन पे ऐड होगा उसके अकॉर्डिंगली नाइट्रोजन बेसिस के वेरियस प्रकार है। देखो एक ही था ये इसकी सिक्स, ये इसकी, ये अगर मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सॉरी आई कैन राइट, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये है सिक्स्थ, ये सिक्स्थ है, इस तरह से घूम रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है, तो ये हो गया सिक्स्थ, ये क्या है एक प्यूरिन है, और इसके सिक्स कार्बन पे क्या ऐड हो गया, एक अमाइन ग्रुप ऐड हो गया, तो एडेनिन का ही दूसरा एक केमिकल नाम देखा जाए तो क्या हो गया सिक्स अमाइनो प्यूरिन, एक प्यूरिन है और सिक्स ग्रुप पे सिक्स नंबर पे अमाइन ग्रुप ऐड हो गया, इसलिए क्या बोला गया है सिक्स अमाइनो प्यूरिन। और सेम इसमें देखो ये इसकी सेकंड पोजिशन है, ये यहाँ से स्टार्ट किया ना, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड ये फिर से आ गई अपनी सिक्स, लेकिन सिक्स नंबर पे क्या है इस बार ऑक्सो ग्रुप है, तो इसका गुआनिन का क्या नाम है टू अमाइनो सिक्स ऑक्सो प्यूरिन है, सिंपल है, समझने जाए तो सिंपल है। ठीक है, वैसा ही साइटोसिन है, यहाँ से नंबर शुरू है। ठीक है, इसके देख लेना पीछे मुड़ के, वीडियो बैक करके देख लेना, इसके यहाँ से नंबर शुरू है, तो ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, एक मिनट रुको, लेट मी इरेज इट। ठीक है, तो ये है फर्स्ट, ओप्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड दिस सिक्स्थ, तो साइटोसिन का अगर देखा जाए तो नाम क्या है फोर 1, 2, 3, 4 अमाइनो पाइरिमिडीन। ठीक है, और ये यूरेसिल है और ये थाइमिन है, थाइमिन और यूरेसिल में सिर्फ इतना फर्क है देखो कि इसका जो फिफ्थ कार्बन है
एक दो तीन चार पांच छह, तो ये जो फिफ्थ नाइट्रोजन है, जो फिफ्थ कार्बन है, इस प्रकार से इसकी ये है, ये जो फिफ्थ कार्बन है, तो फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे क्या है, ये फिफ्थ है, तो ये भी फिफ्थ हो गया। तो फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड है, तो अमाइन का ही दूसरा नाम क्या है, 5-मिथाइल यूरैसिल। सिमिलर नाम है, लेकिन ये डीएनए में पाया जाता है और ये यूरैसिल में पाया जाता है, ठीक है। इसका भी एक रीजन है जो कि सामने कभी जाके मैं बताऊंगा, एक थोड़ा सा लंबा, बहुत एक बड़ा सा रीजन है कि थाइमिन और यूरैसिल क्यों रखा गया है। दिस इज नॉट द रीजन फॉर द अनस्टेबिलिटी ऑफ द आरएनए, ये रीजन नहीं है आरएनए का अनस्टेबिलिटी का। इस अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। देखो ये हो गए नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। अब शुगर, शुगर कौन सी थी, मैंने क्या बताया था, पेंटोज शुगर। पेंटोज क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5, ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पर इस शुगर में, 5 कार्बन है, इसलिए इस शुगर को क्या नाम दे रखा है, पेंटोज शुगर। और शुगर में नंबरिंग भी दे रखी है देखो, लेकिन यहाँ पे 1' या फिर 1' दे रखा है। इसका इसका फायदा यह है कि इससे पहले जो नाइट्रोजन बेसिस पे भी नंबरिंग देखी थी उसमें भी नंबरिंग है, इसमें भी नंबरिंग है, सेम टू सेम बहुत परेशानी थी, तो इसलिए चलो टू मेक इट समथिंग डिफरेंट देन नाइट्रोजन बेसिस इसको डैश दे दिया गया, या फिर इसको साइंटिफिक लिटरेचर में इसको प्राइम बोलते हैं, 1', 2', 3', 5' एंड दी फिफ्थ 5', ठीक है। तो इसका मतलब है, कुछ ना कुछ इसका फायदा है टू अपने को बातें समझने के लिए। तो इसका क्या फायदा है आगे चल के बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है। तो देखो 2' है यहाँ पे, 2' पे ओ है डीएनए पे, देखो डीएनए वाले जो शुगर है उसको क्यों डीऑक्सीराइबोस बोला गया, उसका रीजन बता रहा हूं मैं। 2' पे ओ नहीं है, यानी 2-डीऑक्सी, डीऑक्सी लैक ऑफ ऑक्सीजन, 2nd पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, राइबोस शुगर ही है ये भी राइबोस शुगर ही है, बस इन दोनों में इतना ही फर्क है कि दिस राइबोस शुगर इज लैकिंग ओ या फिर ऑक्सीजन एट 2' पोजीशन ऑफ द पेंटो शुगर या फिर राइबोस शुगर। इसलिए जो ये है जो डीएनए में जो शुगर है वो कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया था यूरैसिल एंड थायमिन अब्सेंस एंड प्रेजेंस इज नॉट द रीजन फॉर द अनस्टेबिलिटी ऑफ द आरएनए, तो उसका रीजन है ये 2' OH, क्योंकि ये 3' OH तो आगे चल के बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, लेकिन 2' OH जो है वो कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होता। और हम सबको पता है कि ये बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज है, उसकी वजह से ये खुद ही यहाँ पे अपना रिएक्शन करके और उसको आरएनए को तोड़ देता है, इसलिए आरएनए बहुत जल्दी टूट जाता है, अनस्टेबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट ओएच एट 2nd पोजीशन ऑफ दैट पेंटोज। और एज इवोल्यूशनरी जो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा वो चलेगा नहीं ना, तो जैसे ही मतलब मान लो शुगर शुगर ये शुगर में से ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन चला गया लेकिन ये स्टेबल हो गया, ये जो न्यूक्लिक एसिड था वो स्टेबल हो गया, तो उसको क्या हुआ, वो लोग ज्यादा जीने लग गए, तो वो ऐसे सिलेक्ट हो गया। वो सब इवोल्यूशनर की चीजें हैं, वो मैं आगे चल के कभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो है इट इज द रीजन फॉर द अनस्टेबिलिटी ऑफ द आरएनए, नॉट द प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल और थाइमिन, ठीक है। तो एडिनिन, एडिनिन एंड गुआनिन क्या है अपने, प्यूरिन से, और प्यूरिन में क्या है, 2 रिंग से, ठीक है। और दूसरे क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड द थाइमिन क्या है अपने, पायरिमिडीन, जिसमें क्या है, सिंगल रिंग है, ठीक है। पायरिमिडीन का एक फ्रेमवर्क है, उस पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर इसके नाम है, ठीक है। और फिर देखो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये थी पेंटोज शुगर, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो भी हो, उसके साथ अगर मान लो नाइट्रोजन बेसिस जुड़ गए तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और अगर इन न्यूक्लियोसाइड में ही अगर मान लो फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो गया तो उसको तीनों को मिला के जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उनको बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड यानी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन मिलके क्या फॉर्म किया इन्होंने, न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इसको बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। देखो जैसे मैंने अभी बताया, अभी यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ये है 1, ये 2, ये 3, सॉरी ये 4th एंड दिस वन इज द फिफ्थ। तुमको सबको केमिस्ट्री आते होंगी, यहाँ पे कार्बन होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, वो एक लिखने का तरीका है, तो इसके डैश भी लिख देते क्या, चलो ये 1' बोल देंगे, 3',
ये फोर प्राइम एंड दिस फिफ्थ प्राइम। तो देखो नाइट्रोजन बेसिस हमेशा वन प्राइम पे ही ऐड होंगे, किसके, पेंटो शुगर के या फिर राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस हो या फिर राइबोस हो, और फॉस्फेट ग्रुप जो है ये जो ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इसको एसिड बोला गया है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप है, तो हमेशा हमेशा ये वाला जो कार्बन यहाँ पे जो कार्बन रहेगा वो हमेशा फिफ्थ वाला कार्बन रहेगा, उस फिफ्थ वाले कार्बन पे ही ऐड होंगे। तो फॉस्फेट विल ऐड ऑन द फिफ्थ प्राइम कार्बन ऑफ द पेंटो शुगर एंड द नाइट्रोजन बेसिस विल ऐड ऑन द फर्स्ट प्राइम कार्बन ऑफ द पेंटो शुगर। ठीक है, देखो ये तो हो गया एक एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये मोनोमर हो गया। अगर ऐसे मोनोमर जुड़ते 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 गए तो दिस विल फॉर्म द पॉलीमर, और उस पॉलीमर को अपन बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड या फिर पॉली न्यूक्लियोटाइड। और ये देखो ये फाइव कार्बन था, फाइव कार्बन पे ये फॉस्फेट ऐड हो गया, और इस ऊपर वाले पे फॉस्फेट कहाँ पे ऐड हो गया, थ्री प्राइम पे ऐड हो गया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे ये डीऑक्सीराइबोस शो किया है। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो गया। तो सिंपली अगर सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल फॉस्फेट और कार्बन का, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल, इसको छोड़ दो, सिंगल अगर बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, फॉस्फेट और शुगर के बीच का ईस्टर बॉन्ड, यानी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जबकि देखो ये फॉस्फेट ने क्या कर रखा है, दो शुगर को अटैच कर रखा है, ये एक डीएनए का ऐसे स्ट्रैंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये एक ऐसे ऐसे एक डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा, तो ये एक बैकबोन है इसका, फॉर्म किया हुआ है इन्हें, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। तो एक दो शुगर को जोड़ने से एक, और ये एक ईस्टर बॉन्ड, ये एक ईस्टर बॉन्ड, तो दो मिला के अपन बोलते हैं फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड। जनरली हमको क्या पढ़ाया जाता है, फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड होता है, बस बात खत्म। लेकिन कैसा, अगर सिर्फ कार्बन और फॉस्फेट के बीच का पूछा जाए तो क्या हो गया, वो शुगर और फॉस्फेट के बीच का वो हो गया ईस्टर बॉन्ड। लेकिन अगर बोलेंगे कि कार्बन या फिर डीएनए के जो बैकबोन है उसमें कौन सा स्टैंड है, उसमें कौन सा बॉन्ड है, तो बोल देंगे फिर अपन डाईस्टर, क्योंकि फॉस्फेट ने दो शुगर को जोड़ रखा है। ठीक है, और ये देखो ये क्या है, अपने नाइट्रोजन बेसिस है जो कि अटैच है फर्स्ट प्राइम पे सबके सब अटैच है, जो कि ये मान लो क्या है, डीएनए का फॉस्फेट बैकबोन है, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट। तो ये ऐसे इनवर्ड साइड में, ऐसे आउटर साइड में प्रोजेक्ट करते अपने नाइट्रोजन बेसिस रहेंगे, और सेम अपोजिट साइड वाले रहेंगे, और ऐसे करके फिर इन नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे। ठीक है, ये देखो ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट, ये और ये बॉन्ड मिलके, दोनों मिलके हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और शुगर के साथ अटैच है अपने नाइट्रोजन बेसिस, और नाइट्रोजन बेसिस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं। जैसे तुमको पता है कि एडेनिन अटैच ऑलवेज, जैसे प्यूरिन ऑलवेज अटैच विद द पाइरिमिडिन, प्यूरिन या फिर पाइरिमिडिन कभी अटैच नहीं होंगे। तो अगर एडेनिन एक प्यूरिन है तो वो हमेशा किसी पाइरिमिडिन के साथ जोड़ना चाहेगा, तो कौन से पाइरिमिडिन के साथ जुड़ता है, वो थाइमिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे उनके बीच में, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा एक पाइरिमिडिन कौन सा था अपना, साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन एक पाइरिमिडिन है, गुआनिन एक प्यूरिन है, वो हमेशा एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से, और इस प्रकार से वो उसको स्टेबिलिटी देंगे। बैकबोन फॉर्म किया आपने शुगर और फॉस्फेट ने, शुगर फॉस्फेट ने, और शुगर पे ऐसे बेसिस अटैच हो गए, और बेसिस एक दूसरे के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो गए, और इसकी वजह से डीएनए को एक स्टेबिलिटी मिल गई। ठीक है, और ये जो उसके जो लेंस वगैरह वगैरह जो है वो सब हम सेल बायो में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ तुमको कि जो विड्थ है, डायमीटर ऑफ द डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम, और ये यहाँ पे नैनोमीटर में दे रखा है 2.2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर मीन्स, जैसे 1 नैनोमीटर मीन्स 10^-9 मीटर, यानी 1 बिलियन पार्ट मीटर का, 1 बिलियन पार्ट अगर लेंगे तो वो हो गया 1 नैनोमीटर, और उससे भी 10 गुना कम कर देंगे तो वो हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10^-10 मीटर। अगर मीटर का 10^-10 एक टुकड़ा ले तो वो हो गया 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 नैनोमीटर उसकी डायमीटर है, और अगर एक हेलिक्स बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो गया एक हेलिक्स, तो एक हेलिक्स की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और 3.2 बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस है
डिस्टेंस है वो हो गया 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंस्ट्रोम यूनिट। ठीक है, ये चीजें याद रखना। और फिर इस प्रकार से ये अपना मेजर ग्रू, ये माइनर ग्रू, ये सब चीजें है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये हमने पढ़ लिया सब कुछ डीएनए के बारे में, किस प्रकार से होता है, क्या होता है, और इसके बेसिस पे अब मैं ऐसा कंसिडर करके चलूंगा तुम सबको सब चीजें समझ में आ गई है। नहीं आ गई होंगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या नहीं समझ में आया। अगले वीडियो में सबसे पहले वो डाउट्स क्लियर होंगे, उसके बाद में हम आगे वाले टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रोसीजर है जो कि एस फेज में होती है। क्या नाम है इसका? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क्रुशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अपने लाइफ में। तो ये किस प्रकार से होती है, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, किस प्रकार से चलता है, क्या है, कुछ नहीं, 3' क्या है, 5' क्या है, वो सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।